हेलो एवरीवन, माय नेम संजय सिंह राजपूत। टुडे आई विल एक्सप्लेन रोमन न्यूमरल्स रूल्स। सो व्हाट इज द रोमन नंबर? एक्चुअली द न्यूमरल यूज्ड इन आवर नंबर सिस्टम इज कॉल्ड हिंदू अरबिक नंबर। मींस अभी हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं 1, 5, 10, 11, 12, 13, वो क्या है? हिंदू अरबिक नंबर है। सो व्हाट इज द रोमन नंबर? सो द न्यूमरल यूज्ड इन एंशियंट रोम आर कॉल्ड रोमन नंबर। मीन रोम के लोगों के द्वारा जो नंबर्स बनाए गए थे वो क्या थे? IBXLCM, वो रोमन नंबर थे। तो उनको हम कैसे राइट्स कर सकते हैं, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो रूल्स नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मींस एडिशंस। मींस जब भी रोमन नंबर्स को हम लगातार रहेंगे, कंटिन्यूसली रहेंगे, मींस क्या करना है, हमको उनको प्लस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल I, तो फर्स्ट आई मीन्स क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू रिमेम्बर दिस टेबल। सबसे पहले हमको एक टेबल याद रहनी चाहिए। मीन्स 1 मीन्स आई, 5 मीन्स बी, 10 मीन्स एक्स, 50 मीन्स एल, 100 मीन्स सी, 500 मीन्स डी एंड 1000 मीन्स एम। मीन्स यहाँ पे जो कॉलम से IBXLCDM, ये क्या है? रोमन नंबर्स के लिए है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमेम्बर दिस टेबल। सबसे पहले हमको एक टेबल याद रहनी चाहिए। सो रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। मीन्स जब भी रोमन नंबर्स रिपीट होंगे तो क्या करना है, उनको हमें प्लस करना है। ओके, मीन्स यहाँ पे राइट से आई एंड आई। सो आई मीन्स 1, तो 1 आई मीन्स 1, सेकेंड आई मीन्स 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो मीन्स 2 आई मीन्स क्या होता है? 2। जैसे हम क्लास सेकंड्स में लेते हैं, क्लास सेकंड को मैसे राइट करते हैं, और क्लास थर्ड को हम कैसे राइट करते हैं? I, I, I। मीन्स 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 1, 1, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट यहाँ पे राइट से X, X, X रिपीट हो रहा है, तो मीन्स X मीन्स क्या होगा? 10। ओके, सो 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। बट V, L एंड D आर नॉट रिपीटेड। जो V है, L है एंड D, ये रिपीट नहीं होते। से रिपीट क्या होते हैं? ओनली I, S, L, C and M होते हैं। V, L and D आर नॉट रिपीटेड एंड नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मीन्स जो नंबर्स रहेंगे, रोमन नंबर्स रहेंगे, वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल C, 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 यहां पर C 3 टाइम्स है, और C मीन्स क्या होता है? 100। सो 1C मीन्स 100, सेकेंड सी मीन्स 100 एंड 30C मीन्स 100। सो 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। ये राइट है, बट 3 टाइम्स से ज्यादा हुआ तो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 4 टाइम्स ही लिख लिया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 400, तो ये सब रूल्स फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। जो रोमन नंबर्स रहेंगे वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेड नहीं हो सकते। Okay? कोई भी नंबर्स IBXDM वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेड नहीं हो सकता। ओनली 3 टाइम हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 1 टाइम हो सकता है। वाई वी एल और डी ये रिपीट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 10 राइट्स करूं, 10, तो 10 को मैं ऐसे राइट नहीं कर सकते V and B, क्योंकि 10 का रूल आगे दिया है, 10 मीन्स क्या होता है? X। तो मीन 10 को हम X ही राइट करेंगे। ओके, रूल नंबर 2, वेन द बिग नंबर कम आफ्टर द स्मॉल नंबर इट विल बी माइनस। मीन्स जब स्मॉल नंबर के बाद कोई बिग नंबर आएगा तो मीन्स हमको क्या करना है? वहां पे माइनस करना है। ओके, ऐसे फॉर एग्जाम्पल I मीन्स 1, V मीन्स 5। आई मीन्स क्या होता है? 1, और V मीन्स 5। तो 1 के बाद 5 आ रहा है, मीन्स स्मॉल नंबर 1 स्मॉल नंबर है एंड 5 क्या है? बिग नंबर। तो जब स्मॉल नंबर्स के बाद बिग नंबर्स आएगा तो क्या करना पड़ेगा हमको? वहां पे माइनस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? 1
आई मीन्स क्या होता है वन एंड बी मीन्स फाइव, सो वन माइनस फाइव। अब एक्चुअली हमको एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल वैल्यू में से बिग वैल्यू माइनस नहीं होती है, ओके सो हम क्या करेंगे, फाइव माइनस वन करेंगे, वन माइनस फाइव कभी नहीं होगा क्योंकि स्मॉल में से बिग माइनस नहीं होता। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, सो आई बी मीन्स क्या होता है फोर। क्या है रूल, वेन द बिग नंबर कम आफ्टर द स्मॉल नंबर इट विल बी माइनस, जब स्मॉल नंबर्स के बाद बिग नंबर्स आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे माइनस करना पड़ेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन, आई एक्स, आई मीन्स वन, एक्स मीन्स टेन, तो वन के बाद टेन आ रहा है बिग नंबर से और आई स्मॉल है, ओके सो हम कैसे राइट करेंगे, आई मीन्स वन और एक्स मीन्स टेन, माइनस करना है हमको, ओके क्योंकि स्मॉल नंबर के बाद बिग नंबर आएगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा। बस हम वन माइनस टेन राइट नहीं करेंगे क्योंकि वन में से टेन माइनस होता ही नहीं है, स्मॉल है टेन बिग है, तो हम राइट क्या करेंगे यहाँ पे, हम टेन माइनस वन, सो टेन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन, सो आई एक्स मीन्स क्या होगा नाइन। नेक्स्ट एक्स आई एक्स, ओके एक्स एक्स मीन्स क्या होता है टेन, तो हमने राइट किया टेन, ओके अब टेन के बाद नेक्स्ट आई आ रहा है, तो मीन्स जब बिग नंबर के बाद स्मॉल नंबर आएगा, यहां पर बिग है x बिग है और i स्मॉल है, तो जब बिग नंबर्स के बाद स्मॉल नंबर्स आएगा तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे प्लस करेंगे, ओके सो प्लस और i x, i x मीन्स अभी हमने फाइंड किया, i x मीन्स क्या होता है नाइन, i x मीन्स नाइन, सो यहाँ पे हम प्लस नाइन कर देंगे, टेन प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइनटीन, या फिर एज वी कैन सी राइट, यहाँ पे राइट कर सकते हैं x प्लस टेन, x मीन्स टेन, I means क्या होगा वन, ओके आई मीन्स वन और वन के बाद फिर क्या आ रहा है, x आ रहा है, x means टीम क्या, तो means क्या हो रहा है यहाँ पे, स्मॉल नंबर के बाद बिग नंबर आ रहा है, I के बाद बिग नंबर आ रहा है, x टेन है, तो means हम क्या करेंगे टेन करेंगे, वन माइनस टेन, बट हम ऐसे राइट करते हैं नहीं करते ना, ऐसे करते हैं टेन माइनस वन करते हैं, ओके सो टेन माइनस वन, सो टेन हो गया और टेन माइनस वन क्या हो जाएगा नाइन, और 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, ओके रूल नंबर थर्ड, व्हेन द बिग नंबर कम बिफोर द स्मॉल नंबर इट विल बी प्लस, मीन जब बिग नंबर के पहले स्मॉल नंबर रहेगा, बिग नंबर के पहले कोई स्मॉल नंबर रहेगा, या फिर हम बोल सकते स्मॉल नंबर के पहले बिग नंबर रहेगा, तो वहां पे हम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आई, यहां पर 20 बिग नंबर से और बिग नंबर की बात क्या है यहाँ पे स्मॉल नंबर, द बिग नंबर कम बिफोर द स्मॉल नंबर, है ना, मीन बिग नंबर के बाद यहाँ पे क्या रहा है, बिग नंबर की यहाँ पे स्मॉल नंबर से, मीन क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लस करेंगे, बी मीन क्या होगा 5 और आई मीन वन, फाइव प्लस वन सिक्स, एक्स वी आई, इसको हम सॉल्व करते हैं, सो एक्स मीन क्या होता है 10, ओके अब टेंथ के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे स्मॉल नंबर आ रहा है, तो मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, जब बिग नंबर्स के बाद स्मॉल नंबर आएगा तो ऑलवेज हम प्लस करेंगे, ओके सो एक्स टेन है और टेंथ के बाद यहाँ पर बिग नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया फाइव, और फाइव के बाद यहाँ पे आई मीन्स वन, तो फाइव के बाद फिर वन आ रहा है स्मॉल नंबर है फाइव से, तो प्लस किया, सो टेन प्लस फाइव फिफ्टीन और फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, ओके नेक्स्ट एक्स वी, एक्स मीन्स टेन, वी मीन फाइव, तो टेन के बाद जो वी आ रहा है वो स्मॉल नंबर से, तो मीन्स क्या करेंगे यहाँ पे आप प्लस करेंगे, तो टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, ओके सो रूल नंबर वन, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन, मीन्स जब भी क्या रहेंगे रोमन नंबर्स रिपीट रहेंगे, तो उसका मीन्स क्या है हमको उनको एड करना है प्लस करना है ना, बट वी एल एन डी आर नॉट रिपीटेड, वी एल एन डी आर नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होंगे, नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स, जो रोमन नंबर्स होते हैं वो थ्री टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होते, ओनली थ्री टाइम रिपीटेड होते हैं, ओके जैसे यहाँ पे सी 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 थ्री टाइम रिपीटेड होगा बट फोर टाइम रिपीट, ओके सो नाउ वी विल लर्न टू राइट सम रोमन न्यूमरल्स,
अब हम कुछ रोमन न्यूमरल्स नंबर्स को हम सीखेंगे। द चार गिवन बिलो सो रोमन न्यूमरल्स अप टू 40 मींस 1 से लेके हम 40 तक रोमन नंबर्स कैसे राइट करते हैं उनको हम सीखेंगे। ओके सो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर 1 टू 10 टेबल। आपको सबसे पहले 1 से लेके 10 तक का रोमन नंबर्स याद रहना चाहिए एंड ये नंबर्स भी याद रहना चाहिए। ओके सो 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर्स कैसे राइट करते हैं उनको आप अच्छी तरह से राइट कर लेना एंड याद कर लेना। ओके सो 1 मीन आई, 2 मीन आई आई, 3 मीन आई 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 एंड 4 मीन आई वी, वी मीन आई, 6 मीन आई वी, 7 मीन सिक्स मीन्स वी आई एंड 7 मीन्स वी आई आई एंड 8 मीन्स वी आई 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 एंड 9 मीन्स आई एस एंड 10 मीन्स एस। 1 से लेके 10 के रोमन नंबर दिए हैं, इनको भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि कैसे 5 कैसे 6 कैसे 7 नंबर आया, बट अभी हम 11 21 से लेके 40 तक हम उनको याद कर दें। सो 11, तो 11 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 10 प्लस 1 11, सो वी कैन राइट इट 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। सो 10 मींस क्या होता है, 10 मींस x, ओके प्लस एंड 1 मींस क्या होगा, 1 मींस i, सो आंसर क्या आया, x i, हम लास्ट में हम राइट कर देते हैं x i प्लस को हम स्किप कर देते हैं। ओके अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 12 मीन्स 10 प्लस 2 12, 10 मीन्स एक्स होता है और 2 मीन्स क्या होता है, आई 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 आई, सो नेक्स्ट एक्स आई आई। ओके नेक्स्ट 13, सो वी कैन राइट इट 10 प्लस 3 13, सो 10 मीन्स एक्स एंड 3 मीन्स आई आई आई, तो एस आई आई आई। नेक्स्ट 14, सो 10 प्लस 4 14, 10 मीन्स एक्स और 4 मीन्स क्या राइट करते हैं हम, आई वी, 4 मीन्स आई वी, तो एस आई वी, 4 प्लस हम कैसे राइट करते थे, ए आई और वी। 15, 10 प्लस 5 15, 10 मीन्स x एंड 5 मीन्स v, 5 मीन्स क्या होता है v, ओके यहां पर 5 मीन्स v, सो x v मीन्स 15। नेक्स्ट 16, 10 प्लस 6 16, 10 मीन्स x एंड 6 मीन्स 6 क्लास को कैसे राइट करते हैं, vi 6, सो आंसर इज x v आई। नेक्स्ट 17, 10 प्लस 7, तो 10 मीन x, 7 मीन वी आई आई। ओके आप 1 से लेके 10 तक के रोमन नंबर अच्छे से याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके सो x v आई आई मीन 17। 18, 10 प्लस 8 18, 10 मीन x प्लस 8 मीन V I I I, so X V I I I, so means 18। 19 हम कैसे राइट करेंगे, 10 प्लस 9 90, 10 means X और 9 means I X, so answer is X I X। 20, 10 प्लस 10 20, so 10 means X और next 10 means X, so X X means 20। ओके नेक्स्ट 21, सो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, सो 20 मींस क्या रहता है, x x डबल x मींस 20 प्लस 1, 1 मींस i, सो आंसर इज x x i। नेक्स्ट 22, 20 प्लस 2 22, ओके सो 20 मीन्स x x
आई मीन्स टू मीन्स आई आई, सो आंसर इज एक्स एक्स आई आई. नेक्स्ट 23, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23. 20 मीन्स एक्स एक्स और 3 मीन्स क्या होगा आई आई आई, सो आंसर इज एक्स एक्स आई आई आई, प्लस अलग करना सब. ओके नेक्स्ट 24, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, सो वी कैन राइट इट 20 मीन्स एक्स एक्स प्लस 4 मीन्स आई वी, सो आंसर इज एक्स एक्स आई वी. ओके नेक्स्ट 25, सो 25 कैसे राइट करेंगे हम 20 प्लस 5, सो 20 मीन्स एक्स एक्स और 5 मीन्स वी, सो आंसर इज एक्स एक्स वी. नेक्स्ट 26, सो वी कैन राइट इट 20 प्लस 6 26, सो 20 मीन्स एक्स एक्स प्लस 6 मीन्स वी आई इज इक्वल टू एक्स एक्स वी आई. नेक्स्ट 27, 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27, 20 मीन्स एक्स एक्स 7 मीन्स V I I, so is equal to X X V I I. 28, 20 plus 8 is equal to 20 means X X plus 8 means V I I. Answer X X V I I I. Next 29, 20 plus 9. So 20 means X X. 9 means I X. So answer is X X I X. 30. 30 हम कैसे राइट करेंगे हम? 30 को 30 राइट करते हैं X X X means 30. Okay? Okay. So next 31 to 40 Roman numbers. अभी हमने 21, 11 से लेके 30 तक सीखे हैं, हम नेक्स्ट 31 टू 40 रोमन नंबर. सो 31 इज इक्वल टू 30 प्लस 1. ओके वी कैन राइट हैज और कैसे ऐड कर सकते हैं हम 30 प्लस 1. 30 मींस क्या होगा, अभी मैंने कहा x x x, 3x मींस 30, 3x मींस 30. अब 1 को हम क्या ऐड कर सकते हैं, 1 मींस i. ओके सो x, सो एक्स 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 आई मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स आया है एक्स 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 आई मीन्स क्या हुआ है नंबर्स 31. नेक्स्ट 32, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32. 30 मीन्स एक्स 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 प्लस 2 मीन्स आई आई, तो हम इनको प्लस करके से प्लस सिंबल रिमूव हो जाएगा. सो एक्स 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 I I, okay 32, 33, 30 plus 3, 33, 30 means F F F and 3 means I I I, so इनको plus करते हैं हम यहाँ पे, so X X X I I I, okay, so next 34, 30 plus 4, 34. 30 means x x x plus 4 को क्या ऐड कर सकते हैं आई वी, आई वी मीन 4, सो आंसर इज x x x प्लस, हम अलग कर देंगे प्लस करने तो क्या जा रहे हैं यहाँ पे आई वी. ओके नेक्स्ट 35, 30 प्लस 5, 35, 30 means x x x और 5 means 5 को क्या ऐड सकते हैं v, so x x x v. then 36, so 30 plus 6, 36 और 30 means क्या होता है x x x, okay 30 means x x x plus 6 means v i, so answer is x x x v i.
ओके नेक्स्ट 37 सो 3 + 7 37 सो 30 मीन्स एक्स 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 प्लस 7 मीन्स 7 को क्या करते हैं वी आई आई 7 मीन्स वी आई आई नेक्स्ट तो आंसर है एक्स 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 वी आई आई नेक्स्ट 38 30 + 8 = 38 मीन्स एक्स 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 और 8 मीन्स 8 प्लस कितना करते हैं वी आई 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 सो आंसर है एक्स 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 वी आई आई नेक्स्ट 39 सो 30 + 9 = 39 सो 30 मीन एक्स 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 प्लस 9 मीन आई एक्स इजिकल सो आंसर है एक्स 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 आई एक्स नेक्स्ट 40 अब 40 को हम ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं एक्स 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 क्योंकि 1x मीन्स क्या होता है 10 तो 4x मीन्स 40 ऐसा राइट नहीं होगा क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं रोमन नंबर्स में रूल्स में कि रोमन नंबर को हम 4 टाइम्स ज्यादा रिपीट नहीं कर 3 टाइम्स ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते ओके द रोमन नंबर कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं ओनली 3 टाइम्स पर 3 टाइम्स से मोर देन नहीं हो सकते तो देखो यहां पर x 4 टाइम रिपीटेड हो रहा है तो हम कैसे राइट करेंगे हम 40 को तो हम इसको हम राइट कर सकते हैं 40 को 50 - 10 क्या होता है 40 होता है सो बट हम सबसे पहले नंबर कौन सा लेंगे 50 वाले की 10 वाला सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लाइट करते हैं स्मॉल नंबर कौन सा इसमें 50 और 10 में 10 स्मॉलेस्ट नंबर है और 10 मीन्स क्या होता है x तो हमने लाइट किया x ओके नेक्स्ट 50 मीन्स l ओके फिर हम क्या राइट करेंगे l सो एक्स एल मीन्स होता है 40 एक्स एल मीन्स क्या होता है 40 कैसे राइट किया 40 को 4 टाइम x राइट नहीं करेंगे क्योंकि रूल्स में क्या बोला गया है रोमन नंबर्स ओनली रिपीटेड 3 टाइम है ना 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हम यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 40 राइट करने के लिए 50 - 10 = 40 बट 50 अभी बस स्मॉल नंबर हम राइट कैसे करते हैं जो स्मॉल नंबर है उसको पहले राइट करेंगे तो स्मॉल नंबर क्या यहाँ पे 10 तो 10 मीन्स क्या होता है x सो x और 50 मीन्स l तो यहाँ पे राइट किया l सो 40 = xl ओके अंडरस्टैंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो